हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल। अब कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छे से हूँ और आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आ गई हूँ सीक्वेंस साड़ी एंड जॉर्जेट साड़ी को टैप करने का बहुत ही आसान तरीका। सो अगर आप बिगनर हैं, आपको बिल्कुल भी साड़ी टैप करना नहीं आता है, काफ़ी इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगी परफेक्ट प्लीट की आप साड़ी को किस तरह से ड्रैप कर सकती हैं, जिससे आपका लुक स्लिम के साथ साथ टॉल भी नज़र आएगा। सो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमने पेटीकोट फुटवेयर एंड ब्लाउज वेयर कर लिया है। फुटवेयर आपको पहले ही कैरी करना है, क्योंकि अगर आपका फुटवेयर हील वाला होगा तो आपकी साड़ी ऊँची नीची हो जाएगी। एंड यहाँ जो मेरा पेटीकोट है, ये शेप वेयर पेटीकोट है जो स्ट्रेचबल फैब्रिक में आती है। इसके कारण आपकी बॉडी को अच्छा सा शेप मिल जाता है, नीचे से काफ़ी ज़्यादा फ्लेयरी होती है तो चलने फिरने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड ये जो साड़ी है, इसका फैब्रिक जॉर्जेट का है एंड इस पर बहुत ही हैवी सीक्वेंस वर्क हो रखा है। तो देखिए, ये वाला पोर्शन हमारी साड़ी का पल्लू है, तो जब भी आप पल्लू वाला पोर्शन लेती हैं तो आपको रखना अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एंड साड़ी को खोलते हुए साड़ी के आखिरी सिरे पर जाना है। इस साड़ी को मैंने ऑनलाइन परचेज किया, आपको परचेजिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारी साड़ी का आखिरी सिरा है, तो यहीं से हम साड़ी को ड्रैप करना शुरू करेंगे। आखिरी सिरे को रखना अपने राइट हैंड साइड की तरफ और देखिए, सामने के पार्ट को अच्छे से अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे। राइट से लेकर लेफ्ट तक जब आप सेट कर लेंगे सामने के पार्ट को, तो ऊपर जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको कमर में टकिंग करना है। तो पहले मैं राइट में टक करूँ फिर लेफ्ट में। इसके बाद जो सामने का पार्ट बच गया है उसको इस तरह से इंसर्ट करके छोड़ना नहीं है, नहीं तो यहाँ टमी के पास फैब्रिक फंस के फूली फूली दिखती है। तो पूरा अच्छे से अंदर तक इंसर्ट कर लेना है। जब सामने का पार्ट टक हो जाएगा तो साड़ी को इस तरह से लेते हुए वन राउंड लेंगे एंड यहाँ राइट साइड में देखिए अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग सेट करते हो, थोड़ा सा टाइटली से खींचते हो साड़ी को सामने की तरफ, आपको राइट में ही टक करना है। इसके बाद बैक के पार्ट को हम अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर लेंगे। सो इस तरह से देखिए हमारी फर्स्ट राउंड की टकिंग नीट क्लीन टाइट फिटिंग हो गई है। अब देखिए हम साड़ी को लेते उसके पल्लू वाले पोर्शन पे जाएंगे, सीधे नहीं जाते, नहीं तो साड़ी बीसे उलट पुलट हो सकती है। सो यहाँ पर देखिए, ये हमारी साड़ी का पल्लू है, तो बाकी साड़ी को सामने ही छोड़ना है, केवल पल्लू वाले पोर्शन को हम बैक से घुमाते हुए राइट की तरफ निकालेंगे। एंड यहाँ पर देखिए, जो आपने लेफ्ट हैंड में फैब्रिक पकड़ा है ना साड़ी का, इसको आपको छोड़ना है और जो पल्लू का दूसरा कॉर्नर आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, इसे देखिए इस तरह से लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना है। अब आप राइट लेफ्ट कहीं से प्लीट उठा सकती हैं, प्रोसेस जो रहता है वो सेम ही रहता है। तो देखिए, अगर आप लेफ्ट से उठा रही तो राइट साइड के पल्लू के कॉर्नर को कमर पे टकिंग कर लीजिए, और अगर आप राइट से प्लीट उठाने वाली हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के पल्लू के कॉर्नर को कमर में टकिंग कर लीजिए, या फिर आप इस तरह से हैंड में भी पकड़ के रख सकती हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से प्लीट उठा रही हूँ, तो राइट हैंड साइड के पल्लू के कॉर्नर को हैंड में पकड़े हुए हैं। एंड यहाँ पर जब आप प्लीट उठाएंगी तो हाफ इंच के करीब फैब्रिक छोड़ के आपको स्मॉल फिंगर और थंब से पकड़ लेना है। सामने की जो टू फिंगर है उसको कैची के तरह करते उसमें फैब्रिक को फंसाते हुए हम वन बाय वन प्लीट बनाएंगे। आप यहाँ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जितनी चौड़ी या पतली प्लेट चाहे बना सकती हैं, बट सामने की प्लेट आपको हाफ इंच चौड़ी रखनी है। अब देखिए, आखिरी में हमारी फैब्रिक थोड़ी सी एक्स्ट्रा है ना, तो मैं आखिरी प्लेट को हल्की सी चौड़ी कर लूँ अंदर की तरफ करते हुए, बट फिर भी ये सामने से नज़र नहीं आएगी क्योंकि फ्रंट प्लेट ऑलरेडी हमारी चौड़ी है। अब प्लेट्स बन जाने के बाद सभी प्लेट को अच्छे से पकड़ लेंगे एंड अगर आप बिगनर हैं तो यहाँ पर सिक्योर कर ले, ताकि प्लेट्स छूट जाए तो आपको दोबारा ना बनानी पड़े। मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड में प्लेट को पकड़ के हैंड को ऊपर की तरफ उठाते हुए थोड़ा सा शेक कर रही हूँ। एंड यहाँ पर देखिए, थोड़ी सी ही दूरी पे आपको साइड से वन बाय वन एक एक प्लीट को पकड़ते हुए छटकते हुए अरेंज करना है, क्योंकि फैब्रिक जॉर्जेट का है तो बहुत ही इजीली से इनकी प्लीटें अरेंज हो जाती है। सो देखिए, इतना पोर्शन हमने रेडी कर लिया है। अब लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए देखिए, लेफ्ट हैंड से प्लीट को पकड़ लेना है, फैब्रिक को आगे लाना है एंड फिर से यहाँ पर देखिए साइड से हम वन बाय वन थोड़ी सी दूरी पे एक एक प्लीट को पकड़ते हुए झटकते हुए अरेंज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जब मैं अरेंज कर रही हूँ तो हल्का सा अंदर की प्लीट्स नज़र आ रही है, तो टमी का सहारा लेते हुए फर्स्ट प्लीट को थोड़ी सी चौड़ी कर लेंगे एंड सभी प्लीट को इक्वल करते हुए पकड़ लेंगे। अब देखिए, इतना पोर्शन फिर से रेडी हो गया। लेफ्ट वाले शोल्डर पर रखते हुए पल्लू की लेंथ हम देख लेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैं घुटने से नीचे रख रही हूँ, क्योंकि पल्लू लॉन्ग लेने से हमारा जो लुक है वो टॉल नज़र आता है। सामने की तरफ प्लीट को अच्छे से ठीक करते हुए सेफ्टी पिन लेनी है एंड जो ब्लाउज के शोल्डर की स्टिचिंग है ना, उससे एक या दो इंच बैक में जाकर पल्लू की प्लीट्स एंड ब्लाउज के फैब्रिक को एक साथ पकड़ लेना है। सेफ्टी पिन लेनी है आपको एंड देखिए, यहाँ पर ब्लाउज के अंदर से सेफ्टी पिन लगानी है। जब उसकी नोक बाहर की तरफ आ जाए तो फिर थोड़ी सी दूर पर अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए सेफ्टी पिन के लॉक को लॉक करते हैं।
तो इस तरह से देखिए हमारा पल्लू जो है ना ब्लाउज के शोल्डर में अच्छे से सिक्योर हो गया है। इस तरह से अगर आप लेफ्ट पे लगाएंगे पल्लू सामने की तरफ बार बार नहीं गिरेगा। अब हम सामने की तरफ आएंगे एंड यहाँ पर देखिए पल्लू का अंदर वाला बॉर्डर इस तरह से अपने चेस्ट पर सेट करते हुए फैब्रिक को अच्छे से बैक से घुमाते हुए लेफ्ट की तरफ ले लेना है एंड जो सामने की प्लीटें हैं ना आपके चेस्ट के पास इनको वन बाय वन ठीक कर लेना है क्योंकि बैक साइड में जाकर ये बाद में एक्स्ट्रा फुली फुली हो सकती हैं अगर आपने पहले ही नहीं अच्छे से सेट नहीं किया तो। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ फैब्रिक आ रहा है इसको अच्छे से हिप पे सेट करते हुए राइट वाले पैर तक लेकर आना है। यहाँ पर मैं दो तरीका दिखा रही हूँ तो फर्स्ट बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपको देखिए राइट हैंड साइड की तरफ फैब्रिक को थोड़ा सा पकड़ के अंदर की तरफ ट्विस्ट करना है एंड यहाँ पर कमर में टकिंग करना है। इस तरह से आपका जो हिप वाला पोर्शन है ना काफ़ी ज़्यादा फिटेड हो जाएगा, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक भी आएगा। अब यहाँ पर जो हमने टकिंग की है अगर आपको लगता है निकल सकती है तो इस तरह की साड़ी पिन या फिर सेफ्टी पिन के हिसाब से सिक्योर कर लीजिए। अब ये टकिंग बिल्कुल नहीं निकलेगी तो ये फर्स्ट तरीका बिगनर्स के लिए जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता मैं कैसे करती हूँ। अब सेकंड तरीका देख लीजिए, आपको इसी फैब्रिक को थोड़ा सा बैक साइड तक लेकर जाना है, मेजर करके इतना फैब्रिक छोड़ना है। मुझे याद रहे कि मुझे इसकी प्लीट नहीं बनानी इसलिए मैंने कमर में टकिंग कर लिया। अब जितनी भी साड़ियाँ बच गई हैं इनकी हम प्लीट्स बनाएंगे। सो यहाँ पर आप राइट लेफ्ट कहीं से प्लीट उठा सकती हैं, जो प्रोसेस होगा वो सेम ही रहता है। तो मैं यहाँ पर आज आपको लेफ्ट हैंड साइड से दिखा रही हूँ। तो जो फैब्रिक आपने मेज़र करके छोड़ा उसके आगे आपको देखिए पकड़ना है स्मॉल फिंगर और थंब से और जो सामने की टू फिंगर उसको कैची की तरह करते हुए उसमें फैब्रिक को फंसाएंगे। बैक के स्मॉल फिंगर थंब से पकड़ते हुए हम वन बाय वन प्लीट बनाएंगे। सो इस तरह से आप इजीली से अपनी प्लीट्स को बना सकती हैं। अब यहाँ पर जब आप प्लीट बनाते हुए आएंगे तो जो सामने की प्लीट होती है ना उसको आपको सभी प्लीट से चौड़ा रखना होता है। तो इसके लिए देखिए आपको किस तरह से प्लीट बनानी है। यहाँ पर चार अंगुल के करीब फैब्रिक छोड़ना है एंड ये जो फैब्रिक है ना इसकी आपको प्लीट नहीं बनानी है, इसको छोड़ देना है। ये जो प्लीटें बन गई इनको अच्छे से पकड़ के इनके डायरेक्शन को हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ करते हुए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा झटक देंगे। अब हम प्लीट को ऊपर साइड से अरेंज करेंगे बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए साथ में हाफ हाफ सेंटीमीटर का गैपिंग रखते हुए ताकि सभी प्लीट्स उभर के नज़र आए। अब यहाँ पर हमारी प्लीट अरेंज हो गई है तो थोड़ा सा मैं इन्हें अरेंज करके साइड से झटक दूंगी एंड अब देखिए सभी प्लेट को टमी के सामने रखते हुए पकड़ लेना है, केवल पहली प्लेट को खोलना है। राइट साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको लेते हुए पहली प्लेट को चौड़ी करेंगे एंड रखते वक्त इसे सभी प्लेट से थोड़ा सा नीचे रखना है। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो पहली प्लेट है ये चौड़ी होगी बाकी की प्लेट से तो काफ़ी अच्छे से सेट रहेगी और ऐसा करने से राइट साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैनेज हो गया है। अब अंदर से एक एक प्लेट को पकड़ते ऊपर की तरफ झटक देंगे एंड यहाँ पर देखिए आपकी जो प्लीटें हैं ना इनको नेवल के ठीक सामने रखते हुए मेज़र करना है कितना पार्ट अंदर टकिंग करना है। फाइनली वहीं पर हम साइड से वन बाय वन एक एक प्लीट को पकड़ते हुए अरेंज करेंगे। नेवल के ठीक सामने रखते हुए इन प्लीट को हमें पेटीकोट में टकिंग करना है। टक करके मैं थोड़ा सा शेक करती हूँ ताकि फैब्रिक अंदर तक चली जाए। अब हमारी प्लीट टक हो गई है तो यहाँ पर हम सिक्योर करेंगे। तो इसके लिए मैं साइड से वन बाय वन एक एक प्लीट को पकड़ते हुए अरेंज कर ली हूँ। नेवल के ठीक सामने रखते हुए इन प्लीट को हमें सिक्योर करना है। मैं यहाँ पर साड़ी पिन का यूज़ कर रही हूँ, आपके पास ना हो तो आप सेफ्टी पिन का यूज़ करेंगी। अब देखिए हमारी प्लीट सिक्योर हो गई, ये इधर उधर नहीं होगी। अब हम राइट साइड की तरफ थोड़ा सा फैब्रिक खोलेंगे। यही वाला हैंड आपको देखिए राइट हैंड साइड की तरफ इंसर्ट करते हुए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ निकालना है। अब आपको ये जो लेफ्ट हैंड का फैब्रिक है ना देखिए इसको निकालना है इस तरह से राइट हैंड साइड की तरफ। तो आप अपने लेफ्ट वाले हैंड का भी यूज़ कर सकती हैं अगर आपको राइट हैंड से नहीं मिलता है तो। अभी हम आएंगे पल्लू वाले पोर्शन पे एंड पल्लू वाले फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए टाइटली से खींचते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर आएंगे। अब यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड की तरफ जो ओपन पार्ट है उसमें राइट हैंड को इंसर्ट करेंगे और जो लेफ्ट हैंड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसको देखिए आपको प्लीट के नीचे से ले जाते हुए राइट वाले हैंड में ले लेना है एंड राइट की तरफ खींचना है। यही फैब्रिक देखिए आपका राइट की तरफ जब निकल जाता है ना तो हिप वाला पोर्शन फिटेड हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपको प्लीट को पकड़ के खींचना है ताकि प्लीट इधर उधर ना हो। इसी प्रोसेस को अभी कुछ देर पहले मैंने आपको करके दिखाना, तो जो आप पहले करती हैं वही आप बाद में भी करती हैं बट करने का तरीका जो होता है वो चेंज हो जाता है। अब देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को सेम उसी तरह से मैंने यहाँ पर ट्विस्ट करके कमर में टकिंग किया है। ऊपर की जो लेयर ओपन की है इसे टक करते वक्त सामने वाली प्लीट को दबाए रखिएगा ताकि वो इधर उधर ना हो। अब ये जो टकिंग किया है ना ये वाला पोर्शन आपका पल्लू से कवर हो जाएगा। पल्लू की प्लीट्स को एक बार फिर से आपको अच्छे से ठीक कर लेना है एंड यहाँ पर देखिए जो साड़ी पिन है ये भी आपकी हाइट हो जाएगी पल्लू की प्लीट से एंड इसके पास से हमारा जो फाइनल लुक है ना वो आप देख सकती हैं। सो इस तरह से आप अपनी सिंपल सी साड़ी को भी ना बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से ड्रॉप कर सकती हैं। इससे आपका लुक स्लिम के साथ साथ परफेक्ट भी नज़र आता है। सो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।